उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेटी की घड़ी किस तरह से डालते हैं और उसे किस तरह से कट करते हैं और स्लीव्स की घड़ी किस तरह से डाल के उसे किस तरह से कट करते हैं वो देखेंगे। हमारी एक बहन ने हमें कमेंट करके कहा है कि पेटी की घड़ी डालने का तरीका और स्लीव्स की घड़ी डालने का तरीका किस तरह से हमें बताइए, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। देखते हैं हम पेटी का डायग्राम किस तरह से है। हम इसमें छोटी छोटी स्टेप में ही कट करके देखेंगे। हमने ये कपड़ा लिया है, हम इसे चार पट में घड़ी डालेंगे। ये हमारा दो पट हो गया है, इसे हम इस तरह से चार पट में घड़ी डालेंगे। इस तरह से घड़ी डालने के बाद हमारा कपड़ा इधर से ऊपर नीचे है, हम इसे सबसे पहले लेवल कर लेंगे। ये हमने लेवल कर लिया है। लेवल करने के बाद हम यहां से इतना शोल्डर लेंगे। शोल्डर लेने के बाद हाफ राउंड लेंगे छाती का माप और यहां से कमर का नाप। इस तरह से हमने ये छाती का नाप 1.5 इंच माया, कमर का नाप ये माया। यहां से यहाँ पे हम इसे इस तरह से शेप डालेंगे, हाफ राउंड डालेंगे। और इसे कट कर लेंगे। हमने ये पेटी को कट कर लिया है, अब इसे नेट पे हम कट करके देखेंगे। ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक, इसे भी हम चार पट में ही डालेंगे। इस तरह से हम चार पट में लेंगे और हमारे पेटी को इस पे इस तरह से रखते हुए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा में इसकी कटिंग करनी है। आधा इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करेंगे इसलिए क्योंकि हमारा कपड़ा अभी ये थोड़ा थिक में है, कोई स्ट्रेचेबल में रहता कोई क्रॉस में रहता और हमारे पेटी बनाते समय हमारा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए हम हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करेंगे। कपड़ा हमेशा हम आधा इंच एक्स्ट्रा में कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमारा पेटी का डायग्राम और पेटी की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। हमने स्लीव्स के लिए ये इस तरह से कपड़ा लिया है, ये देखिए इस तरह से हमारा ये कपड़ा है। इसे भी हम चार फोल्ड में घड़ी डालेंगे। हमने ये चार फोल्ड में घड़ी डाल दिए। यहां से ऊपर से यहाँ पे हम 3 इंच पे फासला लेंगे। 3 इंच पे फासला ले लिया। यहाँ पे हमारा हाफ राउंड ये माया। यहां से हमें हमारे स्लीव्स की लंबाई 6 लेनी है। हम ये 6 पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच फोल्डिंग पट्टी, ये हमारे हाथ की गोलाई 1.5 इंच माया। यहां से यहाँ पे हम इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हाफ राउंड डालेंगे। हमारा स्लीव्स का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने ये इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसे हम नेट पे रख के कट करने का तरीका देखेंगे। हमारा स्लीव्स का कटिंग करने का तरीका बहुत परफेक्ट है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके स्लीव्स कभी भी गलत नहीं आएंगी। नेट पे भी हम बहुत इजीली इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी अस्तर की शॉर्ट स्लीव्स आएंगी और हमारे नेट की फुल स्लीव्स लेना है हमें। हम इसके हिसाब से ही फुल स्लीव्स निकालेंगे। इसकी चार पट में फोल्डिंग घड़ी डाल देंगे। इस तरह से हमने ये चार फोल्ड में घड़ी डाल दी है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसका नाप लेते हुए हमें फुल स्लीव्स निकालनी है। इस तरह से हम ये 1.5 इंच का माया छोड़ते हुए यहां से डायग्राम करेंगे। डायग्राम करेंगे और ये जो हमारा 1.5 इंच का कपड़ा है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारा ये जो हाथ की गोलाई है इसके लेवल में हमें स्लीव्स की पूरी लॉन्ग साइज ले लेनी है, जितनी भी हमें चाहिए उसके हिसाब से
और हम इसे इस तरह से यहाँ पे हाथ की गोलाई का नाप ले लेंगे। हाथ की गोलाई का नाप हमें जो नाप यहाँ का है उससे हमें आधा इंच कम लेना है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स भी इस तरह से हम ये छोटी स्लीव्स तैयार करते हुए लॉन्ग स्लीव्स इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारा पेटी डालने का डायग्राम और स्लीव्स का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।